दोस्तों ड्राइंग कार्टून 2 का ये फोर्थ वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि अपने कैरेक्टर का लिप सिंक कैसे करा सकते हैं, कैसे कैरेक्टर से कोई बात करा सकते हैं, इसका एनिमेशन कैसे करा सकते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने कैरेक्टर का आई ब्लिंक करा सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप ड्राइंग कार्टून 2 में कैरेक्टर का लिप सिंक करा सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना। लिप सिंक कराने के लिए सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आइटम्स कंस्ट्रक्टर पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू बोन को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे इस बकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सीजर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है, इस तरह से होल्ड करके रखना है और आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सीजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको गैलरी को सिलेक्ट करना है और गैलरी को सिलेक्ट करने के बाद इस वाले चार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ये वाला चार्ट आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पे आपको ये वाला चार्ट ले लेना है। चार्ट लेने के बाद आपको यहाँ पे एक एक करके एक एक माउथ को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इसको ड्रॉ करके रखा है, इसका कोई कॉपीराइट वगैरह आपको नहीं आएगा, इसको मैंने खुद ड्रॉ करके रखा है। तो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद अपने कैरेक्टर में इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे सेट करने के बाद राइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ग्रीन कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक लेयर ऐड करना है। यहाँ पे प्लस वाले निशान पे क्लिक करके यहाँ पे लेयर ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको बकेट वाले ऑप्शन पे जाना है, होल्ड करके रखना है, सीजर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे गैलरी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको फिर दूसरा वाला मुंह जो इसका रहेगा, जो दूसरा एक्सप्रेशन रहेगा, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको आप यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको राइट का ऑप्शन मिल जाएगा। राइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे इसी लाइन पे सेट कर देना है जैसे आपने पहले वाले को किया था। तो यहाँ पे आपको आधे वाले पार्ट पे रखना है, मतलब इस तरह से आपको लेफ्ट पॉइंट पे रखना है और आधे पार्ट पे रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड करना है और उससे पहले आपको यहाँ पे पहले चेक कर लेना है कि आपने जो दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जो आपने दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ पे ऐड किया था, वो पहले वाले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपको पहले देख लेना है कि दोनों बराबर हैं साइज में, तो आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है। अदरवाइज आपको पहले इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों मुंह के एक्सप्रेशन एक साथ में सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे तीसरा लेयर हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे बकेट वाले ऑप्शन पे होल्ड करके रखना है और यहाँ पे सीजर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके गैलरी को ओपन कर लेना है और उसके बाद फिर से इस मैप को ओपन करके तीसरा एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको तीसरा एक्सप्रेशन जो है सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से इसी लाइन पे आपको आधे पे सेट कर देना है। जैसे आपने पहले और दूसरे को सेट किया था, उसी तरह से आपको यहाँ पे इसको सेट कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको पहले सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको राइट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस राइट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपने जो तीसरा वाला ऐड किया है उसका साइज बाकी दोनों से डिफरेंट तो नहीं है। अगर डिफरेंट है तो आपको एक जैसा कर लेना है। एक जैसा करने के लिए यहाँ पे आपको मूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको उंगलियों की मदद से इसका साइज छोटा या बड़ा कर लेना है और यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने लेयर ऐड किया है वो एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे पहले चेक कर लेना है, एक जैसा दिखेगा तभी आपको जो है तीसरा या फिर चौथा लेयर ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया मैंने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही जैसा तीनों एक्सप्रेशन जो हमने ऐड किया वो एक जैसा दिख रहा है। अब फिर से हम यहाँ पे चौथा वाला लेयर ऐड करेंगे। लेयर ऐड करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे बकेट वाले ऑप्शन को होल्ड करके रखना है, सीजर को ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पे गैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। गैलरी को सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको इस चार्ट को ले लेना है, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री है, कॉपीराइट फ्री है, इसको मैंने खुद ही बनाया। चौथा वाला एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लाइन पे सेट करेंगे जैसे कि हमने बाकी तीनों को किया था। तो यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा छोटा करना है और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे इसको सेट कर लेना है जैसे आपने बाकी तीनों को किया था। उसके बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको चार एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं एक एक करके चार एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। ये लेयर बाई लेयर हमने यहाँ पे सेट किया है। सेट करने के बाद इसी को हम एनिमेट करा के आपको दिखाएंगे। इसको आप इस तरह से ऊपर नीचे करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्ट करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप इसको ऊपर नीचे करना चाहते तो आप इस तरह से पकड़ के इसको होल्ड करके उसके बाद ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा चारों एक्सप्रेशन आ चुका है। अब इसको हमने एनिमेट कराना है। तो एनिमेट कराने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पहले पूरा देखना है। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे कैसे आप ड्राइंग 2 की मदद से किसी भी कैरेक्टर का लिप सिंक करा सकते हैं या फिर कोई एनिमेशन करा सकते हैं। लिप सिंक कराने के लिए यहाँ पे आपको न्यू बोन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा होगा। इस डॉट
पे हमको एक बोन ऐड करना है। तो बोन को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अटैच का ऑप्शन मिल जाएगा, इस अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद इस बोन को एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से आप इस बोन को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा बोन भी यहाँ पे ऐड कर देना है और उसके बाद तीसरा बोन हम जो ऐड करेंगे वो हमने जो होट का एक्सप्रेशन बनाया था वो ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके और उसके बाद इस होट वाले पार्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, इस तरह से सेट कर लेना है। सेट हो जाने के बाद अब हमें इस वाले पॉइंट को स्लेब पॉइंट बनाना है। यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है इसको आपको स्लेब पॉइंट बनाना है, उसके लिए यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और इसके बाद यहाँ पे स्लेब पे क्लिक करके अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद अब यहाँ पे आपको इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको टच करना है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे आपका फाइल सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ इसके सर को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसका माउथ जो हमने अभी बनाया था, इसको हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे ऐड करने के बाद इसका हम साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसका साइज़ हमको एडजस्ट करना है इस तरह से। एडजस्ट करने के बाद इसका जो मूंछ का हिस्सा है उसके नीचे हमको इसको ले जाके सेट कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको पकड़ के और उसके बाद ले जाके यहाँ पे इसके मूंछ के पास सेट कर देना है। यहाँ पे सेट हो जाने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये लिपसिंग करेगा, कैसे एनिमेशन करेगा। तो पहले आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। इसको सही जगह पे सेट करने के बाद आपको यहाँ पे एडिट यूनिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टेट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एनिमेशन इस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको इसको 6 पॉइंट पे रख लेना है। एनिमेशन स्पीड आपको यहाँ पे 6 पॉइंट पे रखना है और उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है लूप बैक एंड फोर्थ पे और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको फ्रेम ऐड करना है। तो फ्रेम ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट साइड में आना, इस तरह से आपको फ्रेम 20 से 25 कर लेना है। 20-25 फ्रेम करने के बाद यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं पहले प्ले कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आप कैरेक्टर का होट यहाँ पे ऐड किए थे वो यहाँ पे एनिमेशन करने लगा है, मतलब जो उसका होट है उससे लिपसिंग करने लगा है। इस वीडियो से पहले मैंने आपको बताया कैसे आप आई ब्लिंक करा सकते हैं अपने कैरेक्टर से। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो को जाके देख लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल की मदद से ड्रॉइंग कार्टून टू एप्लीकेशन से एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं इस चैनल के अगले वीडियो में।